माय डायरी एंड माय नेक्स्ट व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज हम लोग रिएक्शन वीडियो बनाएंगे और वो डकी भाई की वीडियो पे हम लोग रिएक्शन वीडियो करेंगे। मेरे लाइफ में अब मुझे तकरीबन 3 साल होने ही वाले हैं, तकरीबन करीब करीब ही हैं, 3.5 साल हो चुके हैं अपना ये यूट्यूब चैनल बनाते हुए। और काफी दफा मैंने लाइफ में गिव अप किया कि नहीं बस हो गई है अब, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं आ रहे थे, कुछ वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हो रहा था। लेकिन फिर दोबारा से स्टार्ट किया कि नहीं शायद अब करने से हो जाए। तो इस तरह इंसान बहुत सारी हर्डल से, बहुत सारे इस टाइम से निकल के तो फिर सक्सेस की तरफ आता है। तो मैंने आज डकी भाई की वीडियो देखी जिसपे उनका स्टार्टिंग से लेकर कैसे उनका 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए तब तक का पूरा उनका जर्नी था। सो आई थॉट कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और उसके ऊपर आज हम लोग रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। ये वो टाइम है जब ना डकी भाई के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो रहे हैं। देखो ना 934, 67, 76, ये ऐसा हमारे तो नहीं आता है, वो रिकॉर्डेड होता है ना ये, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर से आप इस तरह के ले लो। 2013-14 की बात है, मैंने अपना पहला चैनल बनाया था, इसमें मैं मोस्टली विंडोज और डेस्कटॉप की टिप्स और ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड करके डालता था। जैसे मतलब ये डकी भाई का पहला यूट्यूब चैनल नहीं है, इससे पहले भी यूट्यूब चैनल थे। स्पीड ऑफ माउस पेपर वगैरह वगैरह लाइक समझ तो आप ही होगी बेसिक स्टफ। मुश्किल से 100 सब्सक्राइबर्स थे जो मेरे घर वाले थे और मेरी फेक अकाउंट थे। ऐसा ही होता था सबसे स्टार्ट में, एक ये भी पहले यही थे, पहले अपने घर वाले थे। मैं यूट्यूब बहुत ज्यादा देखा करता था, ब्यूटीफाई मैं बहुत देर से देखता आ रहा हूँ, ठीक है। मैंने रिकॉर्ड भी किया जाए, अब मेरे पास पीसी पर चुस्सा हुआ करता था जिसमें मुश्किल से GTA 2 अगर हूँ, ऐसा ही होता है। जिसके पास अच्छा कंप्यूटर हुआ करता था उसके घर जाके थोड़ी बहुत हैवी गेम रिकॉर्ड कर दी, USB पे पकड़ी, घर आके अपलोड कर दी। अब इस चैनल पे मैं जुगाड़ी बन रहा है, हाउ टू वीडियोस और टेक वीडियोस भी अपलोड करता था। तो मैंने सोचा कि यार गेमिंग चैनल पे टेक का क्या काम है, इसलिए मैंने ना अलहदा चैनल बनाया। मैं भी सोच रहा हूँ गेमिंग चैनल बना रहे हैं, लेकिन मेरे पास लाइक सारे अमी अबू ऐसे ही होते हैं, या तो पेरेंट्स के लिए टाइम आया होता है या फिर होता है खानदान वाले देख के क्या कहेंगे। एडिटिंग वापसी कम आ रही है, मेरे को लिखा हुआ है नोट माई इमेज की, ये मेरी इमेज नहीं है बनाई है, लिखा हुआ है कि मैंने नहीं बनाई। सॉफ्टवेयर फिक्सिंग का काम भी शुरू किया है लेकिन अपने घर बैठ के। खैर कुछ हफ्ते तो ये चीज चलती है, लेकिन जिस शॉप पे मैं काम करता था ना वो बड़ा शेख निकला, वो मेरे से काम तो करवा लेता था लेकिन पैसे नहीं था देता। अब मैंने समझदार हो गया, गोली करवाई और मैंने कहा चलो अपना शुरू करता हूँ। तो मैंने एक एड बनाई, उसमें लिखा कि भाई जिसको ये काम करवाना है, जिसको आईफोन पे ये करवाना है, जिसको विंडोज अपडेट करवानी है, मेरा चैनल नहीं चलता देखो कितने पापड़ बेल रहे हैं, तो भाई नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लो। अब जिस शॉप वाले के साथ मैं पहले काम करता था ना, उसको कहीं से पता लगा कि मैंने ये बिजनेस भी खोला हुआ है जिससे उसके सॉफ्टवेयर का बिजनेस फारिग हो रहा है, क्योंकि जाहिर 2000 का काम अगर 300 रुपए में हो रहा है तो बंदा क्यों जाएगा उधर, ऐसा ही है। तो वो जो शॉप वाला था ना उसने मेरी बाहर उतारना शुरू कर दी, मैं दोबारा लगा के आता था, वो दोबारा उतार देता था, मैंने कहा ये क्या क्वास है भाई। खैर इस तरह करते करते ना मेरे पास ना अच्छा एक पॉकेट मनी टाइप पैसा आ चुका था, 25 से 30 हजार के करीब मेरे पास आ चुका था। मैंने अपना सारा सामान, पुराना लैपटॉप, मोबाइल, इधर उधर चीजें उठा के डाली OLX पे के भाई बेचो सारा, ठीक है। उधर से कुछ पैसा आया, कुछ पैसा मैंने अपनी मामा से लिया और फाइनली मेरे पास ना एक गेमिंग पीसी खरीदने की अच्छी बात होती है, अपना खुद किया देखने को मिल जाएगा, हमारी तरह नहीं कभी उठाएगा तो करेंगे। टेक केयर जो पाकिस्तानी टेक चैनल है उसको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता था, फुल कॉपी उसकी, मैं तो भाई उसका बोलने का स्टाइल से लेके वीडियो बनाने के स्टाइल तक उसका A to Z मैं उससे बड़ा इंस्पायर्ड था। पैसों के लालच में आके ना एक फेक और स्कैम वीडियो बनाई थी, मैंने ये वीडियो बनाई थी कि क्लैश ऑफ क्लैंस के कॉइन्स ना आप हैक कर सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक डाल दी थी जिसको आप क्लिक करते हो ना तो कुछ रेवेन्यू आता है आपके पास, वो सब लिंक भी फेक थी, वो वीडियो भी फेक थी। सुबह उठा तो नोटिफिकेशन आया हुआ मुझे कि भाई आपका हमने चैनल टर्मिनेट कर दिया है। इस दौरान ना मैं बहुत ज्यादा डीप डिप्रेशन में चला गया था, मेरी स्टडी सारी डिस्टर्ब हो गई, शायद मेरी जरूरत थी, मैं ठीक है कॉलेज मेरे से जा रही है। एक पॉइंट ऐसा भी था कि यार साइकोलॉजिस्ट की जरूरत थी। अब जिस
इसलिए लोग मुझे बहुत पहले एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बताऊंगा कि मेरे चैनल पे एक लड़की मेंशन की जाती थी जो मैट्रिक वाली के नाम से मशहूर है, उसकी मैं प्राइवेसी की वजह से असली नाम नहीं ले रहा, लेकिन उसका नाम था ईशा। अभी जो ईशा है ना, ये मेरी मैट्रिक में ना क्लास फेल हुआ करती थी और ये मुझे ना सीक्रेटली बड़ी पसंद भी हुआ। अब जब मेरा फुल डिप्रेशन वाला दौर चला था ना, तो मुझे ना ये लड़की 4 साल के बाद ऑनलाइन मिली, हमारी बात हुई, बड़े लंबे अरसे तक बात होती रही, जिससे मेरा डिप्रेशन काफी हद तक गायब हो गया और मैं दोबारा नॉर्मल भी हो गया। लेकिन शादी हो गई, उसको मैंने अपने जेन से निकाला, दोबारा नए सिरे से मैंने स्टार्ट किया और कोई 100 से 200 वीडियो जो मेरे पुराने चैनल में हुआ करती थी उनमें से सिर्फ 3 से 4 वीडियो ही मेरे कंप्यूटर में सेव पड़ी थी, वो मैंने उठा के रीअपलोड कर दी और सोचा कि यार दोबारा से चैनल स्टार्ट करता हूँ। और आज अगर तुम लोग साधु यूट्यूब पे सर्च करोगे तो तुम लोगों को चैनल भी मिल जाएगा, तो जिसे देखना है वो देख सकता है। अब इस दौरान ना कैरी मिनाटी और एक दो और यूट्यूबर्स इंडिया में कॉमेंट्री सीन के अंदर काफी राइज हो रही है, तो मैंने सोचा कि यार इसी तरह की ना एक वीडियो बनाता हूँ रैंडमली। इस बार मैंने वीडियो बनाई नासिर खान जान पे रोस्ट और मैंने वीडियो डाल दी अपने फेसबुक प्राइवेट अकाउंट में। वहाँ पे मेरे कुछ दोस्तों ने देखी, उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़े मजे की है, तू और बना। इसी तरह कोई मेरी दूसरी तीसरी वीडियो थी पाकिस्तानी गर्ल्स ऑन फेसबुक, ये तो वाकई बहुत वायरल होती है ऐसी बातें ना पाकिस्तानी गर्ल्स। ये ज़ैद अली और एक और था शेयर कर रहे क्योंकि उसमें कोई गाली वगैरह भी नहीं थी और लोग उस वीडियो से रिलेट भी कर पा रहे हैं। मैंने बहुत देखा के नाम से जो एक टोटली रैंडम नेम है, मुझे काफी लोग पूछते हैं कि यार अच्छा भाई इनका नाम डकी भाई जो ने रखा वैसे ही रखा, वीडियो अपलोड कर देता हूँ वीडियो बनाई करती थी सही कह रहे हैं मानना मान लो हिस्ट्री नहीं है। तो पाकिस्तानी गर्ल्स ऑन फेसबुक वाली वीडियो को ना मैंने डकी भाई वाले पेज के ऊपर अपलोड कर दिया और उस वीडियो को 3 मिलियन व्यूज चला गया, पता नहीं माय गॉड 3 मिलियन व्यूज, 3 मिलियन अगर मेरे पिछले 4 साल के तीनों चैनल मेरे आज तक नहीं आए इतने ना शॉर्ट्स पे ना लॉन्ग वीडियो पे। पाकिस्तानी गर्ल्स ऑन फेसबुक वाली वीडियो को 3 मिलियन व्यूज पहुंच गया। And that is where Ducky Bhai was born. कैसा होता था यार, मेरी जैसी सेहत ही होती थी, देख 2 लाख सब्सक्राइबर हुए फिर स्ट्रीमिंग स्टार्ट हुई, वो सारी जर्नी है मतलब जैसे उन्होंने अपनी फिर 7 लाख सब्सक्राइबर हो गए। ना सारी एडिटिंग आप कह रही थी कैसे होती है, देखो ये अलग पोर्शन लगाया हुआ है उन्होंने ऊपर एडिट करके ना, उसके ऊपर लिख दिया होगा डक्की भाई, जैसे स्नैपचैट के ऊपर लाइव के वो आते हैं, ये देखो नीचे लिखा भी हुआ यूट्यूब लाइव सब्सक्राइब काउंट डाउन पावर्ड बाय socialblade.com 1 मिलियन इंसान कितना इमोशनल हो जाता है ना। नहीं इनकी लाइफ फिर चेंज होने भी शुरू होगी ना, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया मतलब बहुत होते हैं। मेरे 1,000 हुए थे तो मैं कह रही थी मेरी खुशी के इम्तिहान है कि 1,000 हो गए मेरे, वाकई लाइफ में चेंज हुई है देखा हमने अगर हम कंपैरिजन करें तब वाली। अच्छा साथ सुपर चैट भी चल रही है जुहेल नदीम फ्रॉम USA थैंक यू फॉर ऑल। ये होता है इंसान एक चीज पे लगा रहे, हिम्मत करे, मेहनत करे ना तो हो जाता है, अल्लाह करे बस मेरा भी हो जाए। उसको तो, देखो भाई उसे खुद कितने पापड़ बेलने पड़े हैं, देखो खुद उसने कह रहा है एक टाइम ऐसा आया जब उसका टेक का चैनल मतलब डेड हुआ, उन्होंने वो टर्मिनेट कर दिया यूट्यूब ने, तो कह रहे मैं सुसाइड लेवल तक गया कि मेरा दिल करे वो, तो फिर जाहिर सी बात है साइकोलॉजिस्ट सबसे अच्छा पाकिस्तान में तो हमें लड़की मिल सकती है जो साइकी हमारी को समझे और हमें फिर वापस जिंदगी की तरफ रोशनास करे, वापस जिंदगी में खींच के लाए कि आप छोड़। सो ये थी एक मोटिवेशनल वीडियो जिससे आप लोगों को थोड़ा सब्र मिलेगा और हिम्मत मिलेगी कि कोई बात नहीं, आप लोग जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी काम करना चाह रहे हैं उसमें अगर अभी आप लोगों से नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हिम्मत करें, मेहनत करें, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, उसमें नहीं हो रहा किसी और में, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, अपनी मेहनत कामयाब वो कंटिन्यू रखें तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे करते हैं अपने व्लॉग का एंड, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़। वीडियो थी रिएक्शन वीडियो, अच्छा चले ये थी रिएक्शन वीडियो, अल्लाह हाफिज़।